आपका हमारे YouTube चैनल होम स्टार में। आज मैं आपको चावल की खीर बताने वाली हूँ जो बहुत ही जल्दी बनेगी और बड़े ही आसान तरीके से। टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आने वाला है, तो एक बार ट्राई जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खीर बनाने के लिए मैंने एक कटोरी चावल लिए है। अब इन चावल को अच्छे से साफ कर लिया है, अब इन्हें धो लेना है। ये चावल मैंने धो लिए हैं, ये देखिए अच्छे से साफ कर लिए हैं। मैंने टूटे हुए चावल लिए, अगर आपके पास टूटे हुए चावल हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। खीर में ये बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं। अब मैं इनको पानी डाल के 10 मिनट के लिए भिगो के रख दूंगी, जिससे कि ये अच्छे से भीग जाए। ये देखिए चावल अच्छे से भीग गए हैं, 10 मिनट हो गए, अब इनका पानी निकाल लेना है। ये देखिए मैंने पानी निकाल दिया है चावल से। अब रख लेना है एक भगोना गैस पे, गैस ऑन कर ली है, ये भगोना रख दिया है। अब इसमें एक चम्मच भर के देसी घी डाल देना है। ये देखिए घी डाल दिया, घी गरम हो गया है। इसमें अब डाल देती हूँ चावल। ये देखिए दूध में बॉयल आने लगा है। अब इस कंडीशन पे इसको मीडियम लो मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे पकने के लिए। बीच बीच में चलाती रहिएगा जिससे कि ये तली में लगने ना पाए और चावल पकने तक इसको पकने देते हैं। अच्छे से चावल पक जाएं तब तक इसको पकाना है। ये देखिए चावल अच्छी तरीके से खीर के पक चुके हैं। ये अब इस स्टेज पे इसमें डालनी है एक कटोरी चीनी। जितने मैंने चावल लिए थे उतनी ही चीनी ली है। सबसे अच्छा नाप का तरीका यही है, मेजरमेंट आप कर लें। जो चीज जो कटोरी भर के आप चावल लेते हैं बस उसी कटोरी भर के आप चीनी डालेंगे तो एकदम परफेक्ट मीठा होगा, कम न ज्यादा। अब इसको 5-7 मिनट के लिए और पकाएंगे क्योंकि चीनी डालने के बाद पानी छूटता है। तो थोड़ी सी ये देखिए पतली हो गई है आपकी खीर। अब इसको थोड़ा और पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है और पक भी गई है। अब मैं डालती हूँ इसमें फ्रेश क्रीम जो दूध से निकाली है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और अगर आपके पास नहीं है तो कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, ये आपकी मर्जी। ये देखिए अब इसमें अच्छे से कर देनी है मिक्स। ये देखिए चावल की खीर बनके बिल्कुल रेडी है। अब इसमें मैंने जो थोड़े से दूध में जो केसर को भिगो के रखा था 5-7 मिनट पहले वो डाल देती हूँ मैं। इससे बहुत ही अच्छा कलर भी आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है इसका। ये देखिए और 7 से 8 पीस के कुटी हुई छोटी इलायची पाउडर वो डाल देती हूँ। ड्राई फ्रूट इसलिए अभी नहीं मिक्स कर रही हूँ क्योंकि सभी को ड्राई फ्रूट पसंद नहीं होते हैं खीर में, और बच्चे तो ज्यादातर ड्राई फ्रूट पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं खीर में। इसलिए आप डेकोरेशन में या जो खाना चाहे उसके कटोरी में डाल सकते हैं। ये देखिए अब 2 मिनट के लिए पकने को छोड़ देती हूँ और सर्व करती हूँ। फिर ये रेडी है बिल्कुल, अब इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए
सर्व करने के लिए ये इलायची पाउडर, ये देखिए डाल दिया। थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए इलायची पाउडर डालने के बाद मेरे पास ड्राई फ्रूट में पिस्ता है, पिस्ता काट के रखे हुए हैं, बादाम काट के रखे हुए हैं, तो आप इन्हें डाल दें। और जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास अवेलेबल हो उसको आप डाल के अच्छे से खिलाएं, एंजॉय करें। एक बार ट्राई जरूर करके देखें और मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें। थैंक यू।